उम्रो अय्यार। कोई तिलिस्मी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोहे काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी सारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फिल्म को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। जिला के में लगा की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। अय्यारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। मारूफ टीवी एंकर आफताब इकबाल इन दिनों अमरीका के दौरे पर हैं। मीट एंड ग्रीट पार्टियों के सिलसिले को बढ़ाते हुए उन्होंने रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मिलकर अख़ुवत एहसास के जज्बे को सरशार कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने बारबेक्यू टुनाइट में शिरकत करके डीएमवी एरिया में हलचल का समा बरपा कर दिया। मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन से फजल खालिक अपनी इस रिपोर्ट में। मारूफ टीवी एंकर आफताब इकबाल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। मीट एंड ग्रीट पार्टियों के सिलसिले को बढ़ाते हुए उन्होंने रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मिलकर अख़ुवत एहसार के जज्बे को सरशार किया। मीट एंड ग्रीट कम्युनिटी इवेंट में पाकिस्तानी अफराद की कसीर तादाद ने बारबेक्यू टुनाइट में शिरकत करके डीएमवी एरिया में हलचल का समा बरपा कर दिया। लजीज और भरपूर टेस्टी खानों के साथ हाजरीन अपने ख्यालात का इजहार किए बगैर ना रह सके। So my friend and my husband, everybody watch the show all the time and we really like it. Hum Aftab Iqbal sahab ka show bade shauk se dekhte hain aur bada enjoy karte hain. Assalamu alaikum to everyone. Hum Aftab Iqbal meet and greet ke liye aaye hain. Anchor mashallah bahut hai, unko follow karte hain, unke program bahut shauk se dekhte hain. एक किस्म की जानते ये फर्स्ट की तरह हमारे लिए इजहार मलिक नाम है मेरा, मेरा बेटा अनुराग, और आज उनको मिलने आए थे। इस वक्त जब वो आए उस वक्त भी मिलने आए थे यहाँ, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी उनसे। और कीप अप द गुड वर्क। आफताब इकबाल ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने प्रोग्राम खबरहार के जरिए दुबई, पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने लाखों मतदाताओं को महजूज करवा सकेंगे, जिसके लिए उनका मौजूदा ट्रिप खास अहमियत का हामिल है। मज़े के आदमी है। अच्छा, लेकिन सवाल आपका बड़ा अहम है कि आज क्या फील कर रहा हूँ और आज आने का मकसद क्या है। बुनियादी मकसद ये है कि मैंने खबरहार शुरू किया है दुबई से, तो वो एक तजुर्बा था जो दुबई में बैठकर पाकिस्तान में कैसे किया जा सके, तो चूंकि हमने कामयाब तरीके से कर लिया, अब हम दुबई में बैठ कर बाल्टीमोर भी करेंगे, समझे। अब यहाँ पर अगर मैं चार कैमरे लगा दूँ, पाँचवा टॉप पे मास्टर शॉट बन जाए और लाइव मैं ले लूं दुबई में इस पूरे इवेंट को, तो एक विंडो लाइव मेरी बाल्टीमोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, एक न्यूयॉर्क के साथ, एक लंदन के साथ, एक सिडनी के साथ, व्हाई नॉट एक लाहौर के साथ। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि हमने कोलंबस ओहायो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आगाज़ किया है, मतलब लोग जुड़ रहे हैं। एक टाइम लगेगा इसके ऊपर, लाइक टू मंथ्स, विद इन टू मंथ्स इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एवरी वीक आज खबर हाथ कोलंबस है,
गवर्नर न्यूयॉर्क, गवर्नर बाल्टीमोर, गवर्नर डीसी, गवर्नर लंदन और इसी तरह गवर्नर लाहौर। ये एक ये वो वादा था जो मैंने किया, ये सोच कर कि मैं कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, वादा था कि मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने कामयाबी अता की तो मैं पहली फुर्सत में इजहार तशक्कुर के तौर पर अल्लाह ताला ने मदद की है तो मैं फिर लोगों को बताने के लिए, और यही वजह है कि बहुत से लोग ऑटोमेटिकली हमारे से जुड़ गए। टोरंटो में हमारा अपना स्टूडियो है, शाह साहब विल टेक केयर ऑफ दिस। तो कितने दिन का टूर है? दो दिन में यहाँ पे हूँ, इसके फौरन बाद मैं डेलिस जा रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद जाऊँगा इंशाल्लाह ह्यूस्टन, फिर वापस टोरंटो, फिर अटलांटा। देखे ना ये सारा जो है ना, सारी यही चीजें जोड़ने बनाने के चक्कर। इतने आपके विजिट हुए, कोई आपको नई बात को जो है सफा कोई समझ लीजिए कि आप मार्केट में कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज नहीं लेकर आए जो कम्युनिटी के लिए? नहीं, मार्केटिंग देखें, अगर शो चलना है ना, अगर यहाँ से शो चलना है तो उसकी मार्केटिंग तो यहाँ के लोगों को करनी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो एक टारगेट देना है, क्योंकि ये आपका टारगेट है, अगर आप इससे मीट कर सकते हैं तो गो अहेड, स्काई इज द लिमिट। और न्यूयॉर्क में हमें जो जिस हिसाब को हमने एंगेज किया है वो मेरे हिसाब से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इस काम के लिए मुनासिब तरीन आ रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे दोस्त भी हैं, मुसर है कि मेरे फैन हैं, लेकिन मैं उनका फैन हूँ। बाल्टीमोर कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाल्टीमोर तो मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है ना, मैं तो अपने आप को वाशिंगटन डीसी का बासी समझता हूँ, पढ़ता मैं वेस्ट कोस्ट पे था, पाया मैं यहाँ पे जाता था क्योंकि मेरा सारा कुंबा यहीं पे था, मेरे अजीज वकार यहीं पे थे, और मेरी जितनी दोस्तियां यारियां हैं ना पुरानी, वो वाशिंगटन डीसी मेट्रोपोलिटन एरिया की हैं, और बाल्टीमोर इज अ मैरीलैंड पूरे का पूरे इज अ पार्ट ऑफ, हमने कभी वो डिफरेंस समझा ही नहीं, वर्जीनिया और मैरीलैंड एक ही समझा। तो इसलिए बाल्टीमोर के लिए यही है कि यहाँ पर इमरान अमान साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो बड़े एंटरप्राइजिंग हैं और वो खुद इसका चार्ज ले रहे हैं, खुद ही करेंगे, वो उन्हें बेहतरीन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, भले से वो एंकर्स हों, होस्ट हों, गिटार प्लेयर्स हों, मोटिवेशन स्पीकर्स हों, न्यूट्रिशनिस्ट हो, स्टूडेंट कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, मुनासिब तरीन लोगों को आगे लाए। बाल्टीमोर के बारे में बताएं कि बाल्टीमोर व्लॉगर्स जो बाल्टीमोर ट्रेवलॉगर्स हैं जो ट्रेवलॉग करते हैं, ठीक है, बाल्टीमोर का कंट्री साइड बहुत होगा, बाल्टीमोर कह रहा हूँ पूरे मैरीलैंड का बहुत हसीन, बाल्टीमोर गुजरते खुद इसका सबर्ब्स बड़े खूबसूरत हैं, तो उस हवाले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी डेस्टिनेशन है यहाँ टूरिज्म के हवाले से बहुत कुछ। देसी टीवी यूएसए से फिर वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए, डीटीवी एनएन, देसी स्पोर्ट्स और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डीटीवी फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।